बस दोस्तों स्वागत है दोस्तों हमारे स्नैप वीडियो पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रोहितक ब्लॉग्स को। दोस्तों रोहितक ब्लॉग्स में आज हम एक आपको 60-75 मशीन में एक समस्या आ रही थी कि आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि कभी कभी ऐसा होता ना कि हमारी 60-75 हमारी मशीन में टच पैनल जो होता ना टच स्क्रीन होती है, जो टच स्क्रीन है ये टच स्क्रीन अच्छे से वर्क नहीं करती है। मतलब कहीं टच करते हैं दूसरी जगह, कहीं टच होती है दूसरी जगह। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, इस प्रॉब्लम से कैसे सोल्यूशन निकालें, क्योंकि जो हमारी छोटी मशीनें आती थी पहले उनका टच स्क्रीन बदलना थोड़ा किफ़ायती होता था, सस्ता होता था। आज की जो ये बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, जैसे कि मशीन आती है इसका टच पैनल बहुत टच स्क्रीन भी थोड़ा कॉस्टली होती है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, आइए चलिए हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं, मशीन की स्क्रीन पे, और बताते हैं कि कैसे आप अपनी मशीन में टच स्क्रीन को कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको। तो सबसे पहले हम अपने मशीन पे हैं और आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको स्टार 17 और 39 एक साथ प्रेस करना है, फिर स्टार प्रेस करना है। ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये नंबर्स आएंगे, आप देख पा रहे हैं कि नंबर तो हमारे, और हम सीधे डायरेक्ट आपको 23 नंबर पे ले चलेंगे। 23 नंबर पे टच पैनल XY एडजस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको टच करेंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। अभी देखिए बिल्कुल आप छोटा सा डॉट ऊपर नज़र आ रहा है कॉर्नर पे, तो हम एक बार इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ आएगा, और यहाँ पे करेंगे यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे करेंगे तो इस सेंटर में आएगा, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। अभी हो गया पूरा कैलिब्रेट, ओके हो गया। मतलब अगर कोई समस्या होगी तो आपकी अगर टच पैनल इधर उधर खिसक के चल रहा है तो ये अब हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से दोबारा फिर से करके देख लेते हैं एक बार कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक हाथ में फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और दूसरे हाथ से कर रहे हैं, और हाथ भी काम करते हुए बहुत गंदे हो गए, तो आप कृपया इस चीज़ को मेंशन मत करिएगा। अभी हो गया ओके, अभी ओके हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिसेट। अभी देखिए कि जहाँ पे हम टच कर रहे हैं ना वहीं पे टच हो रहा है, इधर उधर नहीं टच हो रहा बिल्कुल भी। टच स्क्रीन पूरी 100% एक्यूरेट ओके काम कर रही है।